हाय गाइस आई होप आप सारे लोग बढ़िया हो यार आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली हो है तो प्लीज़ यार ये पूरी सुन लेना अभी आज पंद्रह दिसंबर और साढ़े ग्यारह बजे अभी मैं एक भाई से बात हो रही थी जो ऑफ़नामा प्रूफूँ अभी समर सेमेस्टर में लिखना आ रहा है एंड ये मेरे ख्याल से ये हर स्टूडेंट्स के साथ ये सिचुएशन होगी जो अभी इस सेमेस्टर में ऑफनामा प्रूफों देने आ रहे हैं या फिर मे भी अगले सेमेस्टर आएंगे अगले सेमेस्टर से तो क्या बोलते हैं टेस्ट टेस्ट भी हो जाएगा लेकिन इस सेमेस्टर के लिए एक्जेंप्ट कर रखा है तो ये हर एक के लिए यार मैं तो मैं पता है, मैं तुम लोगों से कनेक्टेड हूँ एटलीस्ट उन लोगों से कनेक्टेड हूँ जो अफनामा बैच के या फिर जो मेरे को रेगुलरली इंस्टा पे कई बार मैसेज कर देते हैं या फिर जो जिन्होंने सेशन ले रखे क्या तुम बेसिकली कहने का मतलब है मैं स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ जो इस सेमेस्टर आ रहे हैं जो आ चुके हैं ना ऐसा नहीं है कि मतलब इंस्टाग्राम पे या फिर मैं इतना जैसे एक्टिव नहीं हूँ जैसे या फिर यूट्यूब पर मैं छः सात महीने बाद वीडियो डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को नहीं पता मेरे को पता है यार क्या चल रहा है और प्रोबेबली मेरे टाइम पे उतना मुश्किल नहीं था वीज़ा अभी तो यार जैसा स्टूडेंट्स मेरे को बता रहे कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है वीज़ा अभी मिलने में है ना तो मैं पता है कि जो सर्टिफिकेट है एपीएस के सर्टिफिकेट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है तो मैं पता है उसकी वजह से वीज़ा में क्या प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो यार छोटे छोटे शहरों से भी हैं इंडिया के है ना जो यहाँ पे जर्मनी के लिए ऑलरेडी इन्होंने दिमाग मतलब बना लिया माइंड के वो आना चाहते हैं यहाँ पे बैचलर्स करना चाहते हैं उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है मैं उनकी सिचुएशन नहीं समझ सकता मैं सही बोलूँ मैं नहीं समझ सकता अब तुम्हें लग रहा हूँ मैं ज्ञान पेल रहा हूँ तो यार फिर वीडियो रोक सकते हो लेकिन मेरे को ये सही में दिल से मेरे को बात करनी है मेरे को सही में बात करनी है मेरे को हर स्टूडेंट से बात करनी है जो अभी एटलीस्ट ऑफनामा लिखने आ रहा है इस समय सेमेस्टर क्योंकि ये बात यार इंपॉर्टेंट है है ना बात यह है कि तुम्हें पता है कि यार तुम्हारे पास अगर मान लो तुम्हें खुद नवास्ता अगर नहीं मिलता ठीक है वीजा नहीं मिलता तुम्हारे पे ए सर्टिफिकेट नहीं पहुँचा तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास तीन ऑफनामा प्रूफ होंगे जो ऑनलाइन है ठीक है वो है कॉन्स्टांस वो है नॉर्ड हाउसन और काइजर्स लाउटन काइजर्स लाउटन जो इंडिया में है वो दे सकते हैं जो एटलीस्ट दिल्ली में तुम्हें पता है कि अगर तुम बोल दो कि हमें इंडिया में और हमें इंडिया में एग्जाम देना तो तो वो भी वो अलाउ कर रहे हैं जैसे पिछले सेम हुआ था पिछले सेम भी काफी स्टूडेंट्स ने इंडिया में काजे लाउटन का एग्जाम दिया था एंड आई थिंक ये यूनिवर्सल है ये हर एक को पता है कि ये तीन स्टूडेंट कॉलेज है जिनके ऑनलाइन है और इसमें कॉम्पिटिशन के रहेगा मैं मान रहा हूँ मेरे को पता है ये चीज़ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को वीजा नहीं हो पाया और काफ़ी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं उनके लिए और भी दिक्कतें ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि इस सेमेस्टर काफ़ी एग्जाम्स ऐसे हैं जो क्लैश कर रहे हैं तो जैसे बोकुम हो गया या बोकुम का इस बार जैसे पिछले सेमेस्टर भी था कि दो एग्जाम हो रहे हैं ना तो वो एग्ज़ाम मेरे ख्याल से क्लैश कर रहा है ट्यूबरने से अभी मेरे को याद नहीं कौन से एग्जाम से बट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि वो बर्लिन के एग्जाम से क्लैश कर रहा है खैर तो अभी तुम्हारे पे तब पता है कि तुम्हारे पे तीन एग्ज़ाम हैं जो ऑनलाइन है जो तुम बैठ के लिख सकते हो ठीक है मान लो एक एग्जाम तुम गलती से नहीं कर पाया पहला एग्जाम है चलो मैं समझ आता है कि तुम्हें नहीं पता कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है कैसे लिखा जाता है वो तुमने एग्जाम प्रेशर नहीं फील कर रखा ऑफनामा का ठीक है फिर उसके बाद तब भी यार दो ऑप्शन तो बचता है ना तुम्हारे पास तुम यार वही अब मेरे को लगता है कि मैं ज्ञान पेल रहा हूँ ज़्यादा लेकिन यार तीन ऑप्शन तो है ना तुम्हारे पास मेरी बात समझ रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि कोई यूट्यूब पेज इस पर बात ही नहीं कर रहा और स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं जो ये कोई जो इमोशनल सिचुएशन है कोई बताया कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा है यार स्टूडेंट्स की और मैं मे भी इसलिए भी हकला रहा हूँ क्योंकि मैं यार अभी जैसे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ ना उनकी सिचुएशन समझ रहा हूँ यार बहुत डिफिकल्ट हो रखी है यार सिचुएशन और आ, मैं बस ये कहूँगा यार मेरे पे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं इस पर मैं ये कहूँगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास तीन एग्जाम हैं जो ऑनलाइन है प्लीज़ यार उन तीनों पर फोकस दे दो अब भी अगर तुम्हें लग भी रहा कि यार वीज़ा आ जाएगा दो तीन हफ्ते में या फिर पता नहीं कब आएगा तो दिमाग से निकाल दो गए अभी वीज़ा छोड़ दो यार प्लीज़ उसको निकाल दो एटलीस्ट पहले एग्जाम पे तो फोकस कर लेते हैं एग्जाम तो पहले क्लियर कर लेते हैं ना तीन एग्जाम है इन पे तो फोकस दे देते हैं तो जो यहाँ पे जर्मनी में यार उनको मेरी तरफ से सही में बेस्ट ऑफ लक है और हर एक को बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से जो भी एग्जाम देना है अभी आ रहा है तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक महीना पड़ा है उसके बाद एग्जाम चालू हो जाना है है ना हर एक को बेस्ट ऑफ लक है जो ऑनलाइन दे रहे हैं जो ऑफलाइन दे रहे हैं और जिनको वीज़ा नहीं मिल पाया मेरे भाई मैं बस यही बोलूँगा कि प्लीज़ तीन एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम है उन पे ऑफ फोकस दे देना जो सीरियसली हैं ऑफनामा जो देर हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता जो समर के बाद भी विंटर में आ सकते हैं उनको चलेगा क्योंकि तुम्हें पता है एट दी एंड तुम्हारी बैचलर सेम टाइम पे शुरू होने चाहे तुम समर में हो चाहे विंटर पे हो है ना अगर तुम विंटर सेमेस्टर के कोर्सेज के लिए अप्लाई करो तो मैं और की बात कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी लोगों पर यार मनी कंस्ट्रेंट होता है वो नहीं कर सकते वो अब उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे एक सेमेस्टर तो यार ये वही चीज़ है तुम्हें करना पड़ेगा कर तुम मतलब कर मतलब ने सही टाइम पे आई होप राइटली अप्लाई किया हो अभी तुम्हारे पास यार इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे टाइम पे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी नहीं पता लगता था कब डेडलाइन है क्या है अभी तुम सबको पता है कि कब यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन है कब अप्लाई करना चाहिए आई होप इन तीनों में हर एक में कर रखा हो और प्लीज़ यार दिल छोटा मत करना नहीं मिला ठीक है वीज़न नहीं मिला उसको अभी साइड में रख देता है अभी ऑफनामा पे फोकस देते हैं एंड ऑफनामा क्लियर करते हैं ना मेरे को यही बात करनी थी क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं एक वीडियो फॉर्मेट में ये बता दूं हालांकि मैं यार यूट्यूब मेरे को लगता है मेरे को छोड़ा टाइम हो गया और मे बी इसलिए भी मैं थोड़ा स्टार कर रहा हूँ जब मैं वीडियो बना रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ऐसे कैमरा के सामने बात करते हुए मेरे को लेकिन यही यार मेरे को जो कहना था आई होप तुम समझ गए है ना मेरी तरफ से यार हर एक को बेस्ट ऑफ लक है जो एग्जाम लिख रहा है ऑफनामा यहाँ पे जो अभी आ रहा है सेमेस्टर में या फिर जो विंटर सेमेस्टर में आने वाला है और कोई भी यार बात हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए टेलीग्राम पे ग्रुप है तुम वहां पे भी बात बात कर सकते हो आप आपस में एक दूसरे को एटलीस्ट सपोर्ट तो कर सकते हो ना जो इंडिविजुअली भी है जो यार आइसोलेट होने की अभी इस टाइम पे जरूरत नहीं है प्लीज है ना अपना ठीक है तुम अपना सी टेस्ट भी करते रहो मैथ भी करते रहो वो सब भी चालू रहेगा एम कोर्स वाले आपको भी पता है कि यार तुम्हारे लिए भी मैच इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं जर्मन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और बायोलॉजी ठीक है समझ आता है बायोलॉजी सिर्फ एक ही स्टूडेंट कॉलेज पूछता है हालांकि में अगर बायोलॉजी आएगी तो आएगी और वहां पे तुम्हें पता है उस हिसाब से तुमने सैम्पल पेपर्स हो रखे होने चाहिए तुम्हारे तुमने देख रखे होने चाहिए और वो उस हिसाब से प्रिपरेशन हो चुकी होनी चाहिए बाकी दिन में यार अगर तुम पाँच छः सीट टेस्ट भी कर रहे हो मेरे ख्याल से मैथ्स पे भी उतना फोकस दे रहे हो जितना देना चाहिए हर टॉपिक तुम अगर कर रहे हो तो यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए सही में दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा कर क्या सकता कोई समझ रहे हो उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता ना कुछ तो एटलीस्ट इतना तो यार करना चाहिए मैं खैर सोचा था मैं दो तीन मिनट बोलूंगा लेकिन मेरे को जैसे टाइम दिख रहा है मैं साढ़े छः मिनट हो गया उससे ज़्यादा ही बोल बोलिया लेकिन यार मेरे को यही बोला था प्लीज़ यार मेरे को मेरी तरफ से हर एक को बेस्ट ऑफ लक है मेरे को पता है हर एक कोई अपनी सिचुएशन से चल रहा है हर एक की लाइफ में अपनी सिचुएशन है लेकिन मैं हर कोई बोलूँगा यार तीन एग्जाम है प्लीज़ ऑनलाइन मैं बार बार यही बोलूँगा तीन एग्जाम है ऑनलाइन और प्लीज़ इनको फोड़ देना यार अगर तुम्हारे पास ये तीन ऑप्शन लास्ट बचे अगर तुम्हारे यहाँ पे वीजा नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ इस पर फोर्स देना बाकी यार बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आई होप सबका क्लियर हो मेरे को पता है तुम्हें भी पता है सबका क्लियर नहीं होना लेकिन मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है आई होप सबका क्लियर हो और मैं तो चाहूंगा कि एटलीस्ट जो मेरे बच्चे हैं ऑफ नामा वाले उनका तो क्लियर हो गई है नैर बेस्ट ऑफ लक यार बाय